चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री ने कौन से ऑपरेशन की शुरुआत की। पहला ऑप्शन है ऑपरेशन कावेरी, दूसरा है ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रोम, तीसरा है ऑपरेशन रेस्क्यू सूडान और चौथा है ऑपरेशन एक्सोसोडस। पहले प्रश्न का उत्तर है ए, ऑपरेशन कावेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की घोषणा की थी। कावेरी नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जिसे कर्नाटका और तमिलनाडु के लोग बहुत पवित्र मानते हैं। दरअसल इस ऑपरेशन की घोषणा हुई उस वक्त पीएम मोदी जो है वो कोची में यूएम कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने इस ऑपरेशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सूडान में गृह युद्ध ने कई भारतीयों फंसे हुए हैं और साथ ही साथ इस ऑपरेशन का उद्देश्य है उन्हें सुरक्षित वापस लाना। और इस ऑपरेशन के तहत जो उन्होंने मंत्री को जिसकी जिम्मेदारी दी है उनका नाम है मुरलीधरन। तो केरल के ही वो मुरलीधरन है, इसी कारण से यहाँ जो ऑपरेशन का नाम कावेरी रखा गया है साउथ को मान्यता देने के लिए रखा गया है। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला विकल्प है कोयम्बटूर, दूसरा है राजमुंद्री, तीसरा है भावनगर और चौथा है सिलवासा। इसका उत्तर है डी, सिलवासा में नमो चिकित्सक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान सिलवासा में है। सिलवासा एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी है। यह चिकित्सालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत विकसित किया गया है। सिलवासा पहले पुर्तगाली शासन के अधीन था और इस क्षेत्र में हवाई, रेलवे और सड़क परिवहन ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। मेडिकल कॉलेज श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल सिलवासा से ही जुड़ा हुआ है। यह अस्पताल 1952 में कॉटेज अस्पताल के रूप में शुरू हुआ था और अब इसमें 650 बिस्तर वाले अस्पताल हैं, यानी कि इसे काफ़ी अपग्रेड और विकसित कर दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ली मानस का उद्देश्य क्या है। पहला है देश भर में मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, दूसरा विकल्प है नालसा के तहत मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, तीसरा है डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और चौथा है मालवेयर की रोकथाम की नई तकनीक का विकास करना। इस प्रश्न का उत्तर है ए, ली मनसा का उद्देश्य है देश भर में मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट यानी कि टेली मानसा हेल्पलाइन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। यह पिछले वर्ष अक्टूबर में अपनी स्थापना के बाद से 1,00,000 कॉल को पार कर गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 में राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम इस टेली मानस को जो है पेश किया था। टेली मानस का उद्देश्य पूरे देश में मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना है। कार्यक्रम में तकनीकी सहायता के लिए IIT बेंगलोर और NHRSC के सहयोग से उत्कृष्टता के 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल किए गए। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक राज्य या फिर संघ में कम से कम एक टेली मानस सेल स्थापित करना है। 24 घंटे सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-1-6 स्थापित किया गया है। टेली मानस को दो स्तरीय प्रणाली में आयोजित किया जाएगा। इसमें परीक्षित परामर्शदाताओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से युक्त राज्य टेली मानस प्रकोष्ठ के साथ टीयर 1 की शुरुआत की जाएगी। शारीरिक परामर्श के लिए DMHP मेडिकल कॉलेज संसाधनों के साथ
टीयर टू की शुरुआत की जाएगी और इसमें विजुअल परामर्श के लिए ई संजीवनी की भी सहायता ली गई है। ई संजीवनी इस प्रश्न में काफी महत्वपूर्ण पहलू है, इसे हमें ध्यान देना होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने एक समर्पित वेबसाइट की शुरुआत की है? पहला विकल्प है अयोध्या फैसला, दूसरा है केशवानंद भारती केस, तीसरा है तीन तलाक का मामला और चौथा है धारा 377 का मामला। इस प्रश्न का उत्तर है केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले के फैसले के लिए एक समर्पित वेबसाइट की शुरुआत की है। इस वेब पेज में केस नोटिस, लिखित सबमिशन और मामले की सुनवाई करने वाले सभी 13 न्यायाधीशों के विचार शामिल हैं। फैसला अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। केशवानंद भारती मामला 1950-60 के दशक में केरल राज्य में शुरू किए गए भूमि सुधारों से उत्पन्न हुआ था। इस मामले में श्री केशवानंद भारती द्वारा केरल भूमि सुधार अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के अधिनियम को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए गए। भारत की संसद ने संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संशोधन को पारित किया, जिसे केशवानंद भारती ने चुनौती दी थी। ऐतिहासिक केशवानंद भारती के फैसले ने मूल संरचना सिद्धांत को बरकरार रखा और संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। अब हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, वीटो अधिकार के मामले में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां नहीं है? पहला विकल्प है पूर्ण वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, पॉकेट वीटो। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि राज्य के राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जितना जल्दी हो सके बिल पर सहमति देनी चाहिए और उस बिल को वापस कर देना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यसभा विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में राज्यपाल के पदाधिकार का चित्रण करता है। अनुच्छेद 201 उन विधेयकों से संबंधित हैं जो विचार के लिए आरक्षित किए जाते हैं। भारत के राज्यपाल के पास पूर्ण वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, निलंबकारी वीटो यानी कि सस्पेंशन वीटो सिर्फ मनी बिल को छोड़कर उपलब्ध है, लेकिन राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो की शक्ति नहीं होती है, ये सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काफी उपयोगी साबित होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।